क्या देख रही हूँ? साहिल, साहिल पंक्ति, वो भी ऐसे एक साथ? आखिर ये पंक्ति मेरी सौतन ही निकली, सब झूठ था, सब नाटक था। तेरी ये हिम्मत मेरी बेटी के साथ, और तू पंक्ति, तुझे शर्म नहीं आई? नहीं माँ, अब जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है माँ। सी टीवी के सीरियल आपके आ जाने से में हो रहा है महान ड्रामा। आज वेदिका को लगा है जोर का झटका, और लगे भी क्यों ना, वेदिका ने साहिल और पंक्ति को एक साथ जो देख लिया है और अपने पति को किसी और के साथ इस हालत में देख वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और बेबस वेदिका रोते रोते वहाँ से चली गई। पंक्ति और साहिल तो खुद शौक में है कि आखिरकार वो एक साथ आए कैसे। वो इस शौक से संभल पाते कि वहाँ पहुँच जाती है पंक्ति की माँ, जो दोनों को इस हालत में देख भड़क जाती है और साहिल को जड़ देती है जोरदार थप्पड़। साथ ही अपनी बेटी पंक्ति को भी खूब भला बुरा कहती है। वेदिका जी पहले आके देखती हैं एंड उसके बाद मंजुला जी आ जाती हैं। दे आर अज्यूमिंग रॉन्ग थिंग्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल दैट नशा है, क्योंकि उसको बेहोशी की दोनों को दवा मिला कर दी गई थी और दोनों आकर बेहोश हो गए। इट वॉज ऑल अ प्लान, और प्लान उनका सक्सेसफुल भी हो गया। वैसे आपको बता दें कि साहिल और पंक्ति को इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पंक्ति की माँ ही है, जिसने साहिल और पंक्ति को दी थी नशे की दवाई। ये खिचड़ी मेरी माँ बनाती है, जो कि आपको पता लग जाएगा कि वो फिर बोल भी रही है वो मेरा काम हो गया है टाइप ऑफ। माँ इज बीइंग वेरी स्वार्थी एंड इसीलिए ये सब उनका प्लानिंग था, और उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी की उन्होंने। अगर इतनी पापा के साथ करती तो टॉर्चर नहीं होती। यहाँ एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। वेदिका की बेटी आर्या शादी के तुरंत बाद ही मायके लौट आई अपने पति गुड्डू से लड़कर। दरअसल गुड्डू ने आर्या से अपने टैक्सी ड्राइवर होने की बात छुपाई, और ऐसे में साहिल जहां आर्या के साइड है तो वेदिका गुड्डू की, और इसी बात को लेकर छिड़ गई साहिल और वेदिका में बहस। इतने हंगामे के बीच वेदिका के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वो किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। She's pregnant, so that's the reason. को बहुत बड़ा झटका लगा जो नहीं भी लगना चाहिए था, और इसलिए अब वो कहीं चली गई और अब हम निकलने वाले उनको ढूंढने के लिए भी। भाई इन सब स्यापों से तंग आकर वेदिका चली तो गई है, लेकिन अभी उन्हें और मुश्किलों का सामना करना बाकी है। वेदिका जी, कहाँ हो? आज तक ब्यूरो।